नमस्कार, आप जो रहे आज जीएस टीवी हूँ आपने साथ है मनोज। नजर करिए नॉनस्टॉप नेशनल न्यूज पर। गोभा स्टेला केटलाक समय थी हालाकी नो सामनो करी रही छे। नाणाकीय कटोकटीना कारणे छेल्ला 15 थी 20 दिवस थी गोफर्स्ट तेनु बुकिंग बंद करी दीधु छे। तो गुरुवारे गोफर्स्ट ना मैनेजमेंटे ट्वीट करी जानकारी आपी हती। गोफर्स्ट नु बुकिंग आगामी 19 मे सुधी रद्द करवामां आव्यु छे। एरलाइन्से कह्युं छे के मुसाफरोने लईने आजे थई रहेली असुविधा छे तेना बदल दिलगीर छीए। मुसाफरोने माहिती आपता वारिया ग्रुपनी कंपनीए कह्युं छे के रद्द थयेली फ्लाइटमां टिकिटनुं रिफंड पहेलानी जेम ज प्रक्रियाने आधारे आपवामां आवशे। राष्ट्रीय तपास एजेंसी एनआईए बे आतंकी संगठन साथ संकळायेला त्रण कथित आतंकीओनी स्थावर संपत्ति टांचमां लीधी छे। हिजबुल मुजाहुद्दीन अने जैश ए मोहम्मद जेवा आतंकवादी संगठन साथ संकळायेला आरोपीओ पर आतंकी हुमलामां सामेल होवानो आरोप छे। एनआईए जैश ए मोहम्मद साथ संकळायेला फायज मागरे अने हिजबुल मुहम्मदीना आतंकवादी दौलत अली मुगल अने इशाक पालनी स्थावर मिलकत टांचे लीधी छे। आ त्रण आरोपीओ पैकी बे हजू पण जेलमां बंद छे, ज्यारे एक आरोपी हालमां जामीन पर बहार छे। कर्नाटक विधानसभानी 224 बैठकों माटे मतदान पूर्ण थयुं छे। कर्नाटकमां सांजना 5 वाग्या सुधीमां 65.69% मतदान थयुं छे, त्यारे हवे एक्झिट पोल सामे आवी रह्या छे। एक्झिट पोलमां कर्नाटकमां कोई एक राजकीय पक्षने संपूर्ण बहुमती मळी रही नथी तेवी संभावना देखाई रही छे। तो महत्वनुं छे के एक्झिट पोलना जाहेर करायेला आंकड़ा प्रमाणे कर्नाटकनी चूंटणीमां भाजप अने कोंग्रेसने पूर्ण बहुमत मळवानी संभावना ओछी देखाई रही छे अने आवी स्थितिमां जेडीएस किंग मेकरनी भूमिकामां आवी शके छे। वर्ष 2018 कर्नाटक विधानसभा चूंटणीमां भाजपने सौथी वधु 104, कोंग्रेसने 80 अने जेडीएसने 57 बैठकों मळी हती। कर्नाटकमां 224 विधानसभा बैठकों माटे बुधवारे मतदान योजायुं। तो चूंटणी पंचना आंकड़ा अनुसार सांजे 5 वाग्या सुधीमां 65.69% मतदान नोंधायुं छे। आ वखते चूंटणी लड़नाराओ छे तेमां घणा मोटा नेताओ पण सामेल छे, तो जेमां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कोंग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जेडीएस चीफ एचडी कुमारस्वामी जेवा घणी दिग्गज नेताओ चूंटणी मैदाने उतर्या छे। महत्वनुं छे के कर्नाटकमां 13 मेना रोज मतगणतरी हाथ धरवामां आवशे। केन्द्रीय नाणाप्रधान निर्मला सीतारमणे पण बेंगलुरुमां विजयनगर खाते मतदान कर्युं। तेओए मतदान करवा माटे लांबी कतारमां उभा रहेला जोवा मळ्या। मतदान बाद तेओए कोंग्रेसना मेनिफेस्टोमां बजरंग दल पर प्रतिबंध लगावानो मुद्दो छे तेना पर कोंग्रेसने आड़े हाथ लीधी। तो साथ ज बेंगलुरुमां इन्फ्रास्ट्रक्चर आगामी दिवसोमां सारू थशे, कर्नाटकमां उद्योगोने प्रोत्साहन अपाशे तेम पण कह्युं हतुं अने डीजीपी मामले पण तेओ विपक्ष प्रहार कर्या। कर्नाटक का हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की। मैनिफेस्टो में लिख रही हो बेवकूफी का उदाहरण, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। इन्फ्लेशन का विषय मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता क्योंकि उनके कार्यकाल को वो देखें। कर्नाटक में 224 विधानसभा बैठकों माटे मतदान प्रक्रिया योजाई हती। आ दरमियान कर्नाटक कांग्रेस ना वडा डीके शिवकुमारे रिक्षा चलावीने मथके पहोंच्या हता, जेमनो वीडियो पण सोशियल मीडिया में खूब झड़पथी वायरल थई रह्यो छे। मतदान बाद तेमणे जणाव्युं के कनकपुर विस्तारनी जनता तेमणे सीएम बनवानी मांग करी रही छे। तेना जवाबमां तेमणे कह्युं के जनतानो अवाज कर्नाटकनो अवाज छे, कनकपुरना लोकोनो अवाज महत्वनो छे तेम कह्युं। कर्नाटक विधानसभा चूंटणी माटे 10 मेना रोज मतदान करवामां आव्युं हतुं। तो पूर्व वडाप्रधान अने जेडीएस पार्टीना प्रमुख एचडी देवगोंडाए पण मतदान मथक पर जई मतदान कर्युं। कर्नाटकना हासन जिल्लामां आवेल हरदनहल्लीमां मतदान कर्युं हतुं। तो ते बाद देवगोंडाए जणाव्युं के आ एक नानुं गाम छे, तेम छतां अहीं योग्य विकास थयो छे। तेमणे कह्युं छे के तेनो श्रेय आ मत विस्तारना प्रतिनिधि एचडी रेवन्नाने जाय छे। तो कर्नाटक विधानसभानी 224 बैठकों माटे लोको द्वारा मतदान करवामां आव्युं हतुं।
पिछले में आज एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड एंड नाउ एजुकेशन हेल्थ ऑन दीज थिंग्स इवन फॉर दिस चिल्ड्रंस who comes from outside, hostel facilities, all facilities have been provided. દેશના જાણીતા લેખક સુધા મૂર્તિ અને ઇન્ફોસિસના સ્થાપક નારાયણ મૂર્તિએ પણ બેંગલુરુ ખાતે મતદાન કર્યું. બંને લોકો મતદાન માટે લાંબી કતારમાં પણ ઉભા રહ્યા. મતદાન કર્યું બાદ લેખક સુધા મૂર્તિએ કહ્યું કે મતદાન કરવું મારું કર્તવ્ય છે. મતદાન લોકતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ લોકતંત્રમાં જો મતદારો નથી તો લોકતંત્ર નથી. તેમણે બધાને મતદાન કરવા માટે અપીલ પણ કરી. કર્ણાટકમાં બુધવારે 224 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું. કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે નિવેદન આપતા કહ્યું કે કર્ણાટકના લોકો કર્ણાટકની સરકાર આ વખતે બદલવા માંગે છે, ભ્રષ્ટાચારની સરકારને દૂર કરવા માંગે છે. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને 130-134 બેઠકો મળશે અને કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ બહુમતી સાથે જીત મેળવશે. લોક યે ચાહતે હૈ કે સરકાર કો બદલના ઓર યે સરકાર કો બદલ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી કો લાના ઓર લોક તંગ ઓર તબાહ હો ગયે હૈ કે વો ચાહતે હૈ કે ડેવલપમેન્ટ કરને વાલે ઓર કરપ્શન કો નિકાલને વાલે હુકુમત મેં અગર આયે તો ઉસકા બહોત બડા ઇમ્પેક્ટ રાજ્ય મેં પડતા હૈ ઓર ડેવલપમેન્ટ ભી હોતા હૈ. ઇસલિયે લોક ચાહતે હૈ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આયે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનના શ્રીનાથ નગરી નાર્થદ્વારમાં એક વિશાળ સભાને સંબોધિત કરી. નાર્થદ્વારમાં 5,500 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું. ત્યારબાદ તેમણે લાખા બંજારાનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું, પહેલાના સમયમાં જો રાજસ્થાનમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાય તો લાખા બંજારા તેનું સોલ્યુશન લાવતા હતા, પરંતુ આજના દિવસોમાં જો લાખા બંજારા પણ ઇલેક્શનમાં ઉભા રહે તો તેમને પણ વિપક્ષી પાર્ટી હરાવવા માટે પ્રયાસ કરે. को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था, लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे. કર્ણાટક બાદ રાજસ્થાનમાં પણ ભાજપે ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આજ સંદર્ભે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે રાજસ્થાનના પ્રવાસે પહોંચ્યા. અહીં તેમણે કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ વિપક્ષ પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશમાં કેટલાક લોકો એવી વિચારધારાના શિકાર બન્યા છે જેઓ નકારાત્મકતાથી ભરેલા છે. તેઓ દેશમાં કંઈ સારું થાય તે જોઈ શકતા નથી તો તેઓને માત્ર વિવાદ ઉભો કરવો હોય છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું છે કે દેશમાં તમામ પ્રકારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અભૂતપૂર્વ રોકાણ થઈ રહ્યું છે, કામ અભૂતપૂર્વ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. રેલવે હોય, હાઈવે હોય કે પછી એરપોર્ટ, ભારત સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં હજારો કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરી રહી છે. મારે દેશમાં કુછ લોગ એસી વિકૃત વિચારધારા કે શિકાર હો ચુકે હૈ भरे हुए हैं. देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है. રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુમાં વડાપ્રધાન મોદીએ સુદાનમાં ફસાયેલા હક્કી પિક્કી સમુદાયના લોકો છે તેમના વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે સરકાર જ્યારે તેમને પરત લાવવાના પ્રયાસ કરી રહી હતી ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા અનેક પ્રકારના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા. તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ આ મુદ્દાને રાજનૈતિક ફાયદો ઉઠાવવા માંગતી હતી, પરંતુ તેઓ મોદીને ઓળખી શક્યા નથી. પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસના લોકોને આ વાત ખબર હોવી જોઈએ કે આ મોદી છે.
संकट में फसायेला एक एक भारतीय की सुरक्षा माटे कोई पण हद ने पार कर सके छे। तेमणे आरोप लगाव्यो छे कि मोदी और भाजपा नुकसान करने माटे कांग्रेस देश नुकसान करने थी पण चूकती नहीं। पीएम मोदी आरोप लगाव्यो छे कि कोरोना काल दरमियान पण कांग्रेसे कोरोना रसी मुद्दे लोकोने भड़काव्या हता। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डीए बुधवार जणाव्यू हतुं के पीएम मोदी 18मी मे ना रोज दिल्ली में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो नुं लोकार्पण करशे। तेमणे कह्युं छे के आ 3 दिवसीय 18मी मे थी 20मी मे सुधी चालशे। 18मी मे ना रोज आंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस निमित्ते आ कार्यक्रमनुं लोकार्पण कराशे। तो रेड्डीए जणाव्यू छे के आजादी का अमृत महोत्सव बीजा तबक्का भागरूपे दिल्ली प्रगति मैदान खाते आ एक्सपो नुं आयोजन करायुं छे। राजस्थान राजसमंद में वडाप्रधान मोदीए विपक्षी दलों पर आकरा प्रहार कर्या। पीएम मोदीए कह्युं छे के केटलाक लोको नकारात्मकता धरावे छे अने ते माटे तेओ देश में कई पण सारुं थता जोई शकता नथी। कोईनुं पण नाम लीधा विना तेमणे कह्युं के देश में केटलाक लोको आवी मानसिकताथी पीड़ित छे। आवा लोको नकारात्मकता धरावे छे अने तेओ देश में कई पण सारुं थता जोई शकता नथी। पीएम मोदीए आरोप लगाव्यो छे के आवा लोको मात्र विवाद उभो करवानुं काम करे छे। તેમણે કહ્યું છે કે આવી માનસિકતાને કારણે અગાઉના સમયમાં પણ માળખાકીય સુવિધાઓ છે જેનો વિકાસ થઈ શક્યો નથી। જો પૂરતી સંખ્યામાં મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી હોત તો આજે ડોક્ટરોની અછત ન હોત। હમારે દેશમાં કુછ લોગ એસી વિકૃત વિચારધારા કે શિકાર હો ચુકે હૈ इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं। देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में चंबे और स्वरा विधानसभा की पेटा चूंटणी माटे बुधवारे मतदान योजायुं। चंबे विधानसभा की बैठक पर सांजे 5 वाग्या सुधी में 39.51% मतदान नोंधायुं छे। ज्यारे रामपुर की स्वरा विधानसभा बैठक पर सांजे 5 वाग्या सुधी में 41.78% मतदान नोंधायुं। भाजपा सहयोगी अपना दड़े दिवंगत धारासभ्य राहुल कौल की पत्नी रिंकी कौल ने चंबे विधानसभा बैठक पर मैदान उतारा था। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखिल करी है। कोर्टे फिल्म निर्माताओं की अरजी पर सुनावी करने तैयार है। आ मामले 12मी रोज सुनावी हाथ धरवा हरीश सालवे फिल्म निर्माता वती वहली सुनावी की मांग की। बंगाल सरकार फिल्म द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगवा निर्णय ने कोर्ट में पड़कारियों से। वास्तव में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जीए सोमवार राज्य में विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी स्क्रीनिंग पर तात्कालिक प्रतिबंध मुकवानो आदेश कर्यो हतो। सालवे कहूं कि बे राज्यों पहलेथी ज तेना पर प्रतिबंध मुक्यो छे। अमे सतत नाणाकीय नुकसानीनो सामनो करी रह्या छीए। जो सुनावणी में विलंब थाय तो अन्य राज्य में पण प्रतिबंध लादी शके छे। सजातीय लग्न ने मान्यता आपवामां आवे तेवी मांग साथे दाखल करवामां आवेली अरजी की सुनावणी दरमियान सुप्रीम कोर्ट की बेंचे जणाव्यू के भारतीय कायदो व्यक्ति ने तेनी वैवाहिक स्थिति ने ध्यान में राख्या विना बाळकों ने दत्तक लेवानी परवानगी आपे छे। सर्वोच्च अदालते कह्युं के पोतानी जैविक बाळकों धरावता सिवायनी परिस्थितिओने पण कायदो मान्यता आपे छे। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 5 जजों की बेंचे जणाव्यू के બાળકનું કલ્યાણ જ સર્વોપરી છે। આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા ડીવાય ચંદ્રચૂડે જણાવ્યું હતું કે કાયદો ઘણા કારણોસર બાળકોને દત્તક લેવાની છૂટ આપે છે। મહારાષ્ટ્ર એટીએસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા ડીઆરડીઓના ડાયરેક્ટર પ્રદીપ કુલુહરકર છે। તેમણે કોંગ્રેસને થોડા સમય પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી। કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ કુરુલકરની જૂની તસવીરો અને વિડીયો બતાવ્યા અને કહ્યું કે આ વ્યક્તિ 4 પેઢીઓથી આરએસએસ સાથે સંકળાયેલો છે। તો કુરુલકર સરકાર ભારતના જ સંગઠન મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। મહારાષ્ટ્ર એટીએસનો આરોપ છે કે કુરુલકર હની ટ્રેપમાં હતો અને તે એક મહિલા દ્વારા પાકિસ્તાનને સંવેદનશીલ માહિતી આપતો હતો। આરએસએસ સાથે સંકળાયેલા ડીઆરડીઓ
पीएम नाक नीचे जे पाकिस्तान ने माहिती मोकली रहा था। आरएसएस पर जोरदार प्रहार करता कहूं कि असली हनी ट्रैप तो शाखा में थाय छे। भारतीय तपास एजेंसी जणाव्यू के महिला कुलकर साथे जे नंबर पर बात करती हती ते प्लस 44 थी शुरू थतो हतो, जो कि तपास करता जाणवा मळ्युं हतुं के आईपी एड्रेस पर थी आ नंबर चाली रह्यो होय तेथी पाकिस्तानो हतो। केन्द्रीय इलेक्ट्रिक अने इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी राजस्थान ना मंत्री राजीव चंद्रशेखरे जणाव्यु कि स्मार्टफोन यूजर जयरे मोबाइल उपयोग करता नहीं त्यारे व्हाट्सएपे तेमनी माहिती नो एक्सेस कर्यो छे तेवा दावानी पण तपास करशे। राजीव चंद्रशेखरे ट्वीट करीने जणाव्यु कि सरकार कथित प्राइवेसी भंगना मामला की तपास करशे। तो महत्वनुं छे कि फाउदा टाबेरी नामना एंजीनियरिंग डिरेक्टरे शनिवारे ट्विटर पर दावो कर्यो हतो कि ज्यारे पोते सूई रह्यो हतो त्यारे व्हाट्सएप बेकग्राउंड में तेना माइक्रोफोन नो एक्सेस कर्यो छे। तो आ ट्वीट ना संदर्भ में मंत्री कह्युं छे कि आ स्वीकार्य नथी अने प्राइवेसी नो उल्लंघन छे। तेमणे जणाव्युं कि तेओ आ मामला की तपास करावशे। आ मुद्दे व्हाट्सएप प्रतिक्रिया आपता जणाव्युं हतुं कि तेओ फरियादी यूजर साथे छेल्ला 24 कलाकथी संपर्कमां छे। व्हाट्सएपे ट्वीट करीने जणाव्युं हतुं कि अमे मानीए छीए कि आ एंड्रॉइड बग होई शके छे जे खोटी रीते माहिती चोरी करे छे। अमे आ मामलामां गूगलने पण तपास करवा कह्युं छे। ब्रिजभूषण ने केटलाक संगठनों समर्थन आपी रह्या छे त्यारे तेना दिल्ली में 4000 बुलडोजर लईने जंतर मंतर पर पहोंचे। क्षत्रिय युवा वाहिनीए दावो कर्यो छे के ते ब्रिजभूषण समर्थन में दिल्ली ना जंतर मंतर पर धरना स्थले 4000 बुलडोजर लईने जशे। साथे साथे दावो करायो छे के पहलवानो जे आरोप लगावी रह्या छे ते खोटा छे। पहलवानोना धरना एक राजकीय कावतरू छे। अगाउ पण ब्रिजभूषणे कह्युं हतुं के तेना समर्थनमां लोको रस्ता पर उतरशे त्यारे क्षत्रिय युवा वाहिनीना संयोजक अमित सिंहे जाहेरात करी छे कि क्षत्रिय युवा वाहिनीना 4000 कार्यकर्ताओ बुलडोजर लईने दिल्ली जशे। तो संगठनना अन्य एक नेता स्वतंत्र सिंहे दावो कर्यो छे कि दिल्लीना जंतर मंतर पर टुकड़े टुकड़े गैंग खाप पंचायतोना लोको पहलवानो साथे धरनामां सामेल थई रह्या छे। ए ज रीते अमे पण ब्रिजभूषणना समर्थनमां सामेल थशुं। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान अने पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की मंगलवारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बहार थी पाकिस्तानी रेन्जर्से धरपकड़ करी हती। त्यारे एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्लाए एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला छे तेमणे पाकिस्तान मामले निवेदन आपता कह्युं छे कि कमनसीबे आजादी पछी पाकिस्ताननो इतिहास कपटी रह्यो छे। पाकिस्तानना प्रथम वडाप्रधाननी पण हत्या करवामां आवी। अस्थिर पाकिस्तान माटे आ बाबत खूब ज खतरनाक छे। खरेखर पाकिस्तानी स्थिरता माटे शांति खूब ज जरूरी छे। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान अने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टीना अध्यक्ष इमरान खान इस्लामाबाद पोलीस लाइनमां छे अने आ स्थळे ज हंगामी धोरणे जे क्वार्टर रूममां तब्दील करवामां आव्युं छे। इमरान खाननी 9 मेना रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बहारथी ज अल कदीर केसमां धरपकड़ करवामां आवी हती। आ अल कदीर केसनी नेशनल जे एनकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तपास करी रह्यो छे। एनएबीए कोर्ट समक्ष इमरान खानना 14 दिवसना रिमांडनी मांग करी हती, जो कि तेनो विरोध करता इमरान खानना वकीले कोर्टने जणाव्यु कि आ केसने तपास करवानी सत्ता एनएबी पासे नथी। इमरान खानना वकीले कोर्टमां कह्युं कि तमाम व्यक्तिने निपक्ष ट्रायलनो अधिकार छे। इमरान खान सामे तुसाखाना केसनी सुनावणी हजु पेन्डिंग छे। इस्लामाबाद पोलीस लाइन बहार सुरक्षामां पण भारे वधारो करवामां आव्यो छे। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान अने पीटीआई पार्टीना प्रमुख इमरान खाननी धरपकड़ बाद देशना अनेक शहेरोमां हिंसा फाटी निकळी छे। पाकिस्तानना पंजाब प्रांतमां कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति जाळवी राखवा माटे सेनानी तैनाती कराई छे। आ साथे ज खैबर पख्तूनख्वा प्रांतनी सरकारे पण केन्द्र सरकारने राज्यमां सेनानी तैनाती माटे पत्र लख्यो छे। पोलीस अधिकारी तरफथी जाणवा मळ्युं छे कि पाकिस्तानना पंजाब प्रांतमां पीटीआई पार्टीना 1000थी वधु प्रदर्शनकारीओ छे जेमनी धरपकड़ कराई छे। इमरान खाननी धरपकड़ मुद्दे पीटीआई पार्टीए पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतमां अरजी करी है। तो आ दरमियान पीटीआई पार्टीना प्रदर्शनकारीओए लाहौरमां आवेला शडमान पोलीस स्टेशनमां पण हुमलो कर्यो हतो। पीटीआई पार्टीना नेताओए इमरान खानने मळवा देवामां आवे तेवी सत्ताधीशो पासे परवानगीनी मांग करी छे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टीना प्रमुख इमरान खान सामे तुषाखान केसमां इस्लामाबादनी कोर्टे चार्ज फ्रेम करवानो आदेश कर्यो छे।
आ साथ ज पाकिस्तानी कोर्टे अलकादिर ट्रस्ट केस में एनबीए की अरजी पर चुकादो अनामत राख्यो छे। महत्वनुं छे कि एनबीए आदेश पर रेन्जर छे ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट बहार थी इमरान खान की धरपकड़ करी। इमरान खान की धरपकड़ बाद देश अनेक मोटा शहरों में हिंसा फाटी निकली और पाकिस्तान पंजाब प्रांत में सेना की तैनाती करवामां आवी छे। पंजाब प्रांत की पुलिस जणाव्यू कि विरोध प्रदर्शन करना 1000 थी वधु लोगों की धरपकड़ कराई छे। तोसाखानामां केस में इमरान खान पर मूल्यवान वस्तुओं सस्ता भावे खरीदवानो अने लाभ लेवा माटे वेचवानो आरोप छे। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान इमरान खान की मंगलवारे धरपकड़ करवामां आवी छे। इमरान खान भ्रष्टाचार केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हाजर थया जे बाद तेमने कोर्ट बहार थी ज पाकिस्तानी रेन्जर्से धरपकड़ करी। उल्लेखनीय छे कि तोसाखाना केस सहित कुल 141 केसों इमरान खान सामे नोंधायेला छे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नेता फवाद चौधरीए कह्युं हतुं कि इमरान खान ने गिरफ्तार करवा माटे तेओने चारे तरफथी घेरी लेवामां आव्या हता जे बाद समग्र पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समर्थकों विरोध कर्यो अने आगचंपी करी जे विरोध बुधवार पण यथावत छे। भारे विरोध प्रदर्शन थता पाकिस्तान सरकार द्वारा इस्लामाबाद में कलम 144 लागू कराई छे। पाकिस्तान में पूर्व वडाप्रधान इमरान खान की धरपकड़ बाद थयेली हिंसा में 3 लोगों मौत निपजा होवानी विगतो सामे आवी छे। पेशावरना लेडी रीडिंग होस्पिटल प्रवक्ताए जणाव्युं हतुं के 3 सबने होस्पिटल खाते लावामां आव्या हता ज्यारे 20 लोको इजाग्रस्त थया हता जेमने सारवार आपवामां आवी हती। पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण बहार जई रही छे। प्रदर्शनकारीओ इस्लामाबाद में आवेल पुलिस स्टेशन में आग लगावी हती। इस्लामाबाद पुलिसे जणाव्युं के पीटीआईना प्रदर्शनकारीओए कर्मचारीओ सामे पेट्रोल बॉम्ब अने पत्थरमारो कर्यो। विरोध प्रदर्शन में हिंसक थता शाह महमूद कुरेशीनी पण इस्लामाबाद पुलिसे धरपकड़ करी। तो पाकिस्तानना पंजाब प्रांत में पुलिसे 1000 थी वधु प्रदर्शनकारीओनी धरपकड़ करी छे। अमेरिकाना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकन पत्रकार पर यौन शोषण अने बदनाम करवा माटे यूएस ज्यूडिरी छे तेने जवाबदार गणाव्या छे। तो महत्वनुं छे कि तेमणे $5 मिलियन एटले के लगभग 41 करोड़ भारतीय रूपियानुं वळतर चूकवानो आदेश आप्यो छे। अमेरिकाना पूर्व वडाप्रधान ने आ मोटो झटको लाग्यो छे। मळती माहिती मुजब सुनावणी दरमियान 9 न्यायाधीशोए ईजीन केरोलना बलात्कारना जे आरोपोने फगावी दीधो हतो परंतु 3 कलाकथी ओछा विचार विमर्श पछी नजीकथी जे निहाळेली सिविल ट्रायल में तेणीनी जे अन्य फरियादने समर्थन आपवामां आव्युं। आ पहली बार छे कि ज्यारे ट्रम्प विरुद्धना केस में चुकादो आपवामां आव्यो छे। तो आसाम में बहुलग्न पर प्रतिबंध लगावानी तैयारी थई रही छे। आसामना मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्माए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महत्वनुं निवेदन आप्युं छे। असमना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्माए मंगलवारे राज्यमां बहुलग्न पर प्रतिबंध लगावानी वात करी छे। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड सो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स यूसीसी एज ए पार्ट ऑफ दैट एज ए वन कंपोनेंट ऑफ यूसीसी आमी पॉलीगेमी अहोमत बंध करिबो खुजिसु जे पॉलीगेमी वी वांट टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इलीगल थ्रू ए स्टेट एक्ट। आसाम सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनावीने राज्य सरकार ना अधिकार क्षेत्र में बहुलग्न पर रोक लगावानो अधिकार छे के नहीं तेनी तपास करवानी वात कही छे। सो वी आर मेकिंग अवर इंटेंशन क्लियर टुडे बट वे फॉरवर्ड विल बी डिस्कस थ्रू ए एक्सपर्ट कमिटी व्हिच विल कॉन्स्टिट्यूट। असमना सीएम हेमंत बिस्वा शर्माए कर्नाटक की चूंटी रेली में पोताना संबोधन में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ने लागू करवो पुरुषों 4 लग्नों करवा और महिलाओं ने बाळको पैदा करवानु मशीन बनावानी सिस्टम ने समाप्त करवा माटे महत्वपूर्ण गणाव्यो हतो। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तो भारत सरकार शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करवा माटे आखरी मेहनत में लागी छे। आ माटे इलेक्ट्रिक वाहनों उत्पादन वेचाण और सबसिडी पर खास भार मुकवामां आवी रह्यो छे। मोदी सरकारना पेट्रोलियम मंत्रालय नी पेनले एक मोटी अने महत्वपूर्ण भलामण करी छे। पेट्रोलियम अने कुदरती गैस मंत्रालय द्वारा रचवामां आवेली पेनले भलामण करी छे कि भारते 2027 सुधीमां डीजल थी चालता फोर व्हीलरना उपयोग पर प्रतिबंध मुकवो जोईए। उपरांत कार्बन उत्सर्जन घटाडवा माटे 10 लाख थी वधु वस्ती धरावता अने प्रदूषित शहेरोए
વીજળી અને ગેસથી ચાલતા વાહનો પર સ્વિચ થવું જોઈએ। સરકારી પેનલે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રિક ન હોય તેવી સિટી બસોને 2030 સુધીમાં શહેરી પરિવહન સિસ્ટમમાં ઉમેરવામાં ન આવે। રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે 2024થી સિટી ટ્રાન્સપોર્ટ માટે ડીઝલ બસો ઉમેરવી જોઈએ નહીં। દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકાર 31 માર્ચ પછી ફાસ્ટ એડોપ્શન એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ હાઇબ્રિડ વ્હીકલ સ્કીમ હેઠળ આપવામાં આવતા પ્રોત્સાહનોના લક્ષિત વિસ્તરણ પર વિચાર કરવો જોઈએ। જો કે અહીં ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ કે આ માત્ર પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ ઓઇલ સચિવ તરુણ કપૂરની અધ્યક્ષતાવાળી એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન એડવાઇઝરી કમિટીએ આપેલી ભલામણ છે અને આવનારા સમયમાં તેનો અમલ કરવો કે નહીં તે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય પર નિર્ભર છે। ભારત ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના સૌથી મોટા ઉત્સર્જકોમાંનું એક છે। ભારતે 2070 સુધીમાં શૂન્ય ઉત્સર્જન લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, જેને પ્રાપ્ત કરવા ભારત તેની 40% વીજળીની જરૂરિયાતનું રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી ઉત્પાદન કરવા માંગે છે। ભારત 2030 સુધીમાં તેના ઉર્જા મિશ્રણમાં ગેસનો હિસ્સો વધારીને 15% કરવાનું છે। હાલમાં તેનો હિસ્સો 6.2% છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી।